में कोई अधिकारी आता है देखने के लिए, और गांव के दोनों रोड हैं हमारे मेन रोड, बच्चे पढ़ने आते हैं सुबह शाम आते हैं, बहुत तगड़ी धच्चियाँ लगती हैं, गिर जाते हैं बच्चे, घिस घिस कर आते हैं। क्या ऐलान करा है अब गांव के लोगों ने? गांव के लोग हमारे यहाँ के जो विधायक बनते हैं आज ऐलान क्या करा है? हम कोई भी आएगा यहाँ पर विधायक, हम उसको वोट नहीं देंगे, पहले हमारा रास्ता बनेगा जब वोट मिलेगा। अब विरोध जो है जनप्रतिनिधियों का होने लगा है, लोग कह रहे हैं कि हम बहिष्कार करेंगे, चुनाव में भी बहिष्कार करेंगे। एक चांदोक गांव है, वहाँ भी आपके ही विधायक, और अब एक जो है वो कसेर। देखिए, चांदोक गांव के लोगों की समस्या जेन्युइन है, वो रास्ता बहुत टूटा है, जर्जर रास्ता है, लेकिन उस रास्ते के लिए सरकार से फंड आ चुका है, उसका टेंडरिंग प्रोसेस है, वो रास्ता बहुत जल्दी बनेगा। कसेर कला औरंगाबाद डिबाई में भी पड़ रहा है, उसका क्या, वो घटना मेरे संज्ञान में नहीं आई है, और चांदोक वाली है, और वास्तव में वो जर्जर रास्ता बनना चाहिए, और उसके लिए सरकार ने धन स्वीकृत कर दिया। भले ही केंद्र और प्रदेश की सरकारें दम भरती हों कि वो विकास के नए पैमाने स्थापित कर रहे हैं, लेकिन बुलंदशहर जिले में जनप्रतिनिधियों का विरोध अब आम बात हो चली है। पहले चांदोक और अब औरंगाबाद कसेर गांव में यहां के ग्रामीणों ने पूरी तरह से डेवलपमेंट ना होने से गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने अब साफ कर दिया है कि वो किसी भी जनप्रतिनिधि को गांव में तब तक नहीं घुसने देंगे जब तक उनके रास्ते ठीक नहीं हो जाएंगे। श्रीपाल तेवतिया, ETV, बुलंदशहर।